नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कायस्थ समाज के लोगों से माफी मांगी। द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के दौरान भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी को लेकर कायस्थ समाज के लोगों से कपिल शर्मा ने माफी मांगी। कपिल ने अपनी बातों को रखने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, प्रिय कायस्थ समाज, 28 मार्च 2020 को प्रसारित हुए द कपिल शर्मा शो के एपिसोड में श्री चित्रगुप्त जी के उल्लेख पर अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने और अपनी टीम की तरफ से आप सब से माफी मांगता हूं। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप सभी खुश रहे, सुरक्षित रहे और मुस्कुराते रहे, ईश्वर से यही कामना करता हूं। प्यार एवं आदर सहित नमस्कार। दरअसल 28 मार्च को द कपिल शर्मा शो में कपिल ने भगवान चित्रगुप्त का मजाक उड़ाया था। भगवान चित्रगुप्त के अनादर के बाद से ही कायस्थ समाज के लोगों में आक्रोश था, जिसके चलते अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने यह ऐलान किया था कि अगर कपिल शर्मा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो महासभा कोरोना लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कपिल शर्मा के खिलाफ अलग अलग जगहों के न्यायालयों में मुकदमा दायर करेगी। गौरतलब है कि कायस्थ समाज के कड़े विरोध के चलते सोनी टीवी ने 28 मार्च का एपिसोड भी डिलीट कर दिया है।